ऑफ कोर्स लव और कंपैशन से बड़ा तो कुछ नहीं होता है तो so, <laughs> आज की डेट में अगर आपने वो सारी बातें को बातों को साइड में रख के और इस थेरेपी की वजह से अगर आप आज की डेट में उस इंसान के साथ इतना अच्छा रिलेशन है आपका तो इट मींस दैट दिस स्क्रिप्ट थेरेपी इट हैज इट हैज समथिंग इन इट इजंट इट यस ये बहुत सिंपल है और uh, मैंने एज़ सच कॉन्शियसली कुछ ट्राई नहीं किया उसको चेंज या अल्टर करने के लिए जो भी रिलेशनशिप था बट दॉ कि आपका जो परस्पेक्टिव है वो और ब्रॉड हो जाता है hmm. वहां पे दिख रहा था वो यही दिख रहा था कि आई अ लॉट बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन बट मुझे उसकी सफरिंग नहीं समझ में आ रही थी कि वाई दैट पर्सन वॉज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे और वो जो उसकी uh, जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कहाँ से स्टेम होके आ रहा है

एक ऐप है प्राइवेट ऐप है उसमें डाल दो तो लोग आपको मिल जाते हैं वो तो साथ में जाते हैं आपके तो कार कार शेयरिंग हो जाती है तो मेरे साथ एक लड़का बैठा और वो मार्केटिंग में था और वो मेरे फ्रंट सीट पर मेरे साथ ही बैठा था और वो पूरी पूरी जर्नी उसकी ना बड़ी उदास सर झुका के मायूस सा जा रहा था मेरे साथ और मेरे साथ एक कपल भी बैठा था पीछे तो वो दोस्त पीपल वर वेरी टॉकेटिव बहुत बातें कर रहे थे बातें करते 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 कोई ऐसा टॉपिक छिड़ा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही तो मैंने उनको एक बात बोली ही जस्ट टू इट जो मेरे साथ बैठा था इसको नहीं बोल रहा था मैं उनको बोल रहा था और दे वर टू इट और मैंने उनको बोला कि जिंदगी में अगर आपको माफ करना आ गया ना तो आप आप सब कुछ कर सकते हो आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ, एक वो एक सॉन्ग है ना कि हमको तन की शक्ति देना आ, मन विजय करें मन की शक्ति मन की मन की शक्ति देना ऐसा कुछ है दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें तो ये खुद जो ये जो लाइन है खुद दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें ये बेसिकली हर जगह एप्लीकेबल है दूसरों की बुराई करने से पहले खुद की बुराई करो दूसरों की अच्छाई करने से पहले खुद की अच्छाई करो दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करो खुद को माफ तो जिस दिन आपने अपने आप को माफ करना शुरू कर दिया आप दूसरों को माफ करना भी शुरू कर दोगे और अगर आप किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है तो आप ये सोचो कि उसके साथ क्या हो रहा होगा जो आपने बोला तो जैसे मैंने ये लाइन बोली और उसने उसने मन 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 ही में में ऐसा सोचा होगा शायद शायद उस लड़के ने और उसने शायद मन में किसी को किया होगा है। और आपने जो बात बोली वो, नहीं किया था और अचानक से उसको वो डल मोमेंट इतना अच्छा लगने लगा कहता so पहले कह रहा था धर्मशाला जा, जाके करूंगा क्या बोर हो जाऊंगा अब कहता यहाँ पे इतना कुछ है करने के लिए पर ये एक एक उस वन लाइन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी तो ये होता आ, है ये मोमेंट ऑफ जो चेंज uh, आता है रियलाइजेशन आती है ना ये आदमी को कभी भी बदल सकती है पर उसके लिए आप, भी भी आपको uh, आपको हमेशा अपने आप से ये कहना है कि कुछ भी पॉसिबल है और आदमी को अपना एटीट्यूड जो yes. है वो एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए uh, कविता जी थैंक यू सो मच आप इतना इतना कुछ बताया आपने आप

डू yes. okay. uh, so, yes. यू पे उस दिन मेरी डॉटर जो एक्चुअली okay. मेरे uh, ब्रदर के घर आ okay. <laughs> मुझे चाहिए थी पर भगवान <laughs> okay. so, मैं, मैं so, अभी

कुछ क्रिएटिव चीजों में कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज करें ओके okay. उसको और बजाय इसके कि वो पार्क में बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं या ब्रूड कर रहे हैं दे आर ब्रूडिंग ओवर पास्ट कि हम पहले ऐसे थे और आज ऐसा हो गया है हमें कोई hmm. पूछता नहीं है कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी वो चीजें ऑर्गेनाइज की थी तो वो hmm. वहां पे आई थिंक थर्टी फोर्टी लोगों का ग्रुप था तो उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया था उट इट बट आई वॉज रियली यू नो डिलो जब उन्होंने वो बोर्ड पे सबके वो लिखवाए थे वाइट बोर्ड के ऊपर जो भी पार्टिसिपेंट थे तो उनमें से उन्होंने लिखा था कि हमें जो सबसे ज्यादा हेल्प किया वो राइटिंग थेरेपी ने किया वाह wow. wow. तो मैंने उनको दो वर्कशॉप दी थी एक कर्मा एंड फॉर गिवनेस और दूसरी थी राइटिंग थेरेपी तो राइटिंग थेरेपी वॉज दी फर्स्ट वर्कशॉप और वो बहुत इंटेंस वर्कशॉप थी हमें ढाई घंटे लग गए थे मेरे ख्याल से उसमें क्योंकि मैं उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपसे करवाती हूँ जैसे मेमोरी गेम एनर्जी को फील करना है तो आपके चिप्स कैसे बनते हैं और फिर उसके बाद आप जो चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है वो सारी चीजें मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपीरियंसिस है और कुछ जो मेमोरी बनती है और कुछ जो नहीं बनती है वो क्यों नहीं बनती है नहीं। और जो बनती है वो क्यों हो जाती है उस सब के पीछे लॉजिक है ऐसा कुछ नहीं है को, कोई भी चीज अनसिफिक है वाँ, वाँ. Example, अगर आप जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको पीछे कुछ दिख रहा है फॉर कुछ लगी हुई है कुछ है तो वो अनइम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए अनलेस इट इज समथिंग वेरी वाओ काइंड ऑफ थिंग तो ठीक है आपने रजिस्टर किया फिर आप भूल गए तो मेमोरी का एक तरीका तो आपकी uh, जो मेमोरी आपकी ब्रेन uh, ओवरलोड ना हो जाए उस उस तरीके से वो मेमोरी उसको इरेज कर देती है जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ठीक hmm. है और बहुत फिर भी रह जाता है वो उसको सपनों में इरेज कर देती है कि आपको कुछ ब, मतलब ऐसे hmm. उठपटांग सपने आएंगे यू विल थिंक ये ये पैर का सपना है कि क्यों आया मुझे समझ तो आया नहीं जस्ट बिकॉज क्लियरिंग इट सेल्फ थ्रू इटिकल फैक्ट है hmm. और मेमोरी स्टोर होती है कि पर्टिकुलर वो बन जाती है आपके अंदर ग्रूव्स बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं दो तरीके से या तो रेपिटेशन से या फिर बाय शॉक तो रिपीटेशन तो हम सबको पता है स्कूल में कितना करवाते थे हमें कि जब भी आप बार-बार चीज रिपीट करते हो तो ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं और वो पक्के हो जाते हैं तो दिस इज वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज बाय शॉक कोई भी चीज जो आपको एकदम से डीप शॉक देती है चाहे वो एक्सिलरेशन हो चाहे वो आपको मेंटल शॉक हो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ तो वो चीजें आपकी मेमोरी में रह जाती है हमेशा के लिए हम्म ओके वो डीप okay. शॉक जब आपको मिलता है तो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी वो डीप शॉक है आपके ब्रेन में तो वो हमेशा के लिए वहां इम्प्रिंट हो जाता है hmm. तो उसका जो वो इंसिडेंस तो एक बारी होके खत्म हो जाता है हम पास्ट में बार बार नहीं जाते बट वी कीप ट्रेवलिंग एनर्जी कॉड वो जो इमोशनल आपका साथ वो कनेक्शन बना हुआ है आप उसके थ्रू बार 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 ट्रेवल करते रहते हो एंड यू कीप ऑन रीलिविंग दैट मेमोरी इन योर ब्रेन ओनली को रिलीव करते हो एक्चुअली में तो वो बीस साल पहले की बात है जो मेरे साथ हुआ था हम्म लेकिन correct. मैं घूम तो रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो पाथवे होगा ना करेक्ट तो जो राइटिंग प्लस उसके बाद जो आपका फायर राइट है जो आप बर्न पेपर पेपर को एसेंशियली यू हैव टू बर्न दैट बहुत सारे जो जैसे ये वाले लोग हैं और वो तरह तरह की चीजें इवन मेरी वर्कशॉप में भी बोला मुझे कि आप ये जला रहे हो दिस इज नॉट इको फ्रेंडली एंड ऑल तो मैंने बहुत ऐसा नहीं सजेशन दिया तो मैं मनन नहीं करती उसका नहीं। पहले मैं उसको मनन चिंतन करके उसको देखूंगी रिसर्च करूंगी कि इसका क्या है कि आप किस तरीके से उसके रिजल्ट्स आएंगे तो मैंने यही पाया कि जो फायर राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट ब्रेक्स द एनर्जी कनेक्शन जो इमोशनल आपका कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर जो एनर्जी आपकी थी उसको फायर जो है ट्रांसफॉर्म करके टोटली न्यू एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है बिकॉज फायर एक ऐसा एकमात्र एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का जिसमें आप कुछ भी डालोगे वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है आप एक प्रेस hmm. डालोगे वो भी आप दो रुपए का कागज डालोगे उस कूड़ा डालोगे उसको भी उसने जला के ट्रांसफॉर्म करके हीट और एनर्जी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देना तो <laughs> so, वो nice. जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने वो हर चीज का कनेक्शन ब्रेक करना है जो आपको वापिस उस मेमोरी तक लेके जाता है फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप बहुत गलत कर रहे हो आपने ये इसको पेपर को दबा दो तो हो जाएगा। बट इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और आप रोज उस गमले के पास जा रहे हो यहाँ पे मैंने वो कागज दबाया था <laughs> yeah. is still there. Yes, मतलब yes. वो चीज अगर आपको वापस वहीं लेके जा रही है देयर इज नो

राइटिंग थेरेपी सोचा okay. कि मैंने इतने लोगों को बता दिया इतना लोगों का भला हो रहा है मैं अपना भी कर लूं <laughs> तो मुझे यही हार्मोनल इश्यूज है mm -hmm. तो आई वाज इन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग माय पीरियड्स तो उसमें क्या था कि मैं शुरू से सेंसिटिव बहुत ज्यादा हूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि ये ना मतलब टैबू चीज है और मुझे जो घर का माहौल था हमारा उसमें नो no डाउट हमें एजुकेशन खाना कपड़े सब प्रोवाइड होता था बट वहां पे मुझे ऐसा वो नहीं था कि मैं जाके अपनी बात किसी से कह पाऊं मुझे हर एक की अपनी नेचर है मेरी सिस्टर बोल देती है मम्मा से बट मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे जाके अपनी प्रॉब्लम किसी को बतानी है तो आई यूज टू हैंडल इट ऑन माई ओन हमेशा से mm -hmm. तो जब वो प्रॉब्लम शुरू हुई तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो बड़ी भारी दिक्कत है को एड स्कूल में हूं मैं और बॉयज भी साथ में है तो कुछ ऐसे तब उस जमाने में टैबू होता था ट्वेंटी फाइव ईयर्स बैक ठीक है तो मेरे को बड़ा वो मुश्किल पीरियड था तो मैंने क्या किया मेंटली और हमारे पंजाब में ना हम प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी को और मैंने हर बार बोलना कि भगवान जी बस पीरियड्स नहीं आने चाहिए मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी मेंटल थॉट इतना स्ट्रॉन्ग था ट्रस्ट मी तरुण बॉडी ने दो तीन साल में वो निकालने बंद कर दिया ओह बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक थॉट थॉट की नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए पर मेरे को क्या था कि शुरू में सब लड़कियों को प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत सीवियर पेट दर्द होता था और घर वाले टोटल ऑर्गेनिक तो मैं भी वैसी हूँ इसीलिए शायद तो डॉक्टर के पास ले जाते थे वो दवाई दे देती दे थी, थी पर मुझे खाने नहीं देते थे तो मैंने कहा ठीक कैसे होगा <laughs> कि इससे दवाई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था हमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का तो मैं तड़पती रहती थी दर्द से तो फिर फाइनली माई माइंड डिसाइडेड कि मुझे चाहिए ही नहीं Oh. तो बॉडी बना प्रॉपर बट वो आउटलेट नहीं है उसका असर क्या हुआ कि वो पेट दर्द बंद हो गया और आपको एक बात और भी बता देती हूँ जब मेरा बहुत भयानक पेट दर्द था फरवरी थी और उस दिन संडे था और मैं टेंथ क्लास में थी बहुत सीवियर पेट दर्द हुआ और मैं ट्यूशन पे गई मैं वापस आ गई और मैं तड़प रही हूँ दर्द से मैंने सोचा भगवान जी इससे अच्छा तो सिर दर्द ही ठीक है मेरा दर्द सिर पे शिफ्ट हो गया और उस दिन से वो जो दर्द हुआ यस yes. उस दिन के बाद मुझे पेट दर्द नहीं हुआ कभी भी और वो सिर दर्द पे शिफ्ट हो गया और वो जो सिर दर्द है मुझे मतलब अभी भी होता है कभी कभी मतलब तो अभी थोड़ा होता है वो लॉन्ग जर्नी है मैं आपको बताऊंगी बहुत लंबी स्टोरी है तो वो क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने वो चीज निकालनी बंद कर दी बन रही है प्रॉपर निकलेगी नहीं तो वो एक तरह से टॉक्सिक वेस्ट है तो उसका असर क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे ये फट जाता था मेरा बहुत दर्द होता था तो माइग्रेन डिवेलप हो गया मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया लोग बोलते हैं शादी के बाद ठीक हो जाता है और वो सब है नहीं ठीक हुआ कुछ नहीं ठीक हुआ अदरवाइज आई हैव अ हेल्दी बेबी अभी एटीन इयर्स का होने वाला है तो लेकिन कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट ये नहीं ठीक हुआ क्योंकि पीरियड्स mm. आते ही इट वाज ऑल ड्राई दवाई ले लो तो आ बहुत पेनफुल था तो फिर मैंने क्या किया मैंने लिखना शुरू किया मैंने कहा मैं अपना तो ट्रीटमेंट करके देखू कि इसमें है क्या थेरेपी में मैंने लिखना शुरू किया और मैंने सारा कुछ लिखा देन आई टोल्ड टू माय ओन सेल्फ कि अब मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं कमा रही हूँ और मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम ही और मेरा हस्बैंड भी बहुत केयरिंग है और वो सुनता है मेरी बात तो मैं उसको भी जाके बोल सकती हूँ अगर मुझे कुछ दिक्कत है अगर मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ही विल लिसन टू मी तो पहले तो था कि मैं किसको बताऊं जाके और ये चीजें बच्चों के लिए इतनी थोड़ा वो हो जाती है कि पता नहीं बात कैसे करें जाके तो जब मैंने लिखा वो पांच छह पेजेस का मैंने पूरा जितना मेरे को स्कूल में दो चार दस एक्सपीरियंसेस हुए थे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ कहीं पे छोटी छोटी चीजें वो मैंने लिख दी और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने जब वो पेपर जलाया है उस आ, मतलब मेरे फर्स्ट पीरियड और उसके बीच में सत्रह साल का अंतर था ओके okay. मतलब सत्रह साल बाद मैंने वो थेरेपी की है तो सत्रह साल से मैं उस चीज भोग रही थी mm तो अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है उसका 2012 के बाद की बात है दो तीन साल बाद आप लगा लो पंद्रह की बात होगी शायद पंद्रह या सोलह की बात होगी ऐसा कुछ था तो उसमें क्या हुआ जब मैंने वो पेपर जलाए हैं जाके गैस पे मेरी लेग्स में से कुछ एनर्जी निकल के गई है समथिंग लेफ्ट इतना पुराना वो था और ये कॉन्शियस बहुत कॉन्शियस एक्सपीरियंस था कि मैंने फर्स्ट टाइम एनर्जी को ऐसे निकलते हुए फील किया

करना कैसे है तो ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मेरे माइंड में मैं, यही लिया, लिया, so, प्रोसेस है, yes. है? है, है बट उसमें क्या है कि लोग उसमें पड़ जाते हैं अभी जैसे मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं जिन्होंने पहले से बहुत कुछ कर रखा होता है तो एक लेडी आई सेड कि कविता इसको मैंने पहले किसी से किया था

तो भी आपको लिखने से दो फायदे होंगे एक तो आपका सारा एग्रेशन निकल जाएगा दूसरी बात यह है कि आपका रिलेशनशिप उस आदमी के साथ खराब होने के बजाय और ठीक हो जाएगा क्योंकि एक तो आप पर्सनली नहीं बोल रहे जाके hmm. दूसरा वो एग्रेशन निकल मैंने दूसरे का देखा hmm. कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी आपको शायद नजर आने लग जाए दूसरे की कोई wow. तो ना वे आपको तरफ से फायदा ही है परफेक्ट परफेक्ट आई मीन अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो मैं उनको भी बोलूंगा कि ट्राई करें और यस डेफिनेटली ट्राई करो आप इनफैक्ट जो मैं दो घंटा की ये वर्कशॉप देती हूँ उसमें जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी तो उसमें आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलेगी कि मैंने कहीं से भी कॉपी करके डाल दिया दिस इज टोटली माय ओन रिसर्च जैसे रिलेशनशिप्स का है ओके okay. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खुद से किया है इट वाज ऑल गॉड्स ग्रेस क्योंकि देखो थॉट्स आर ऑलरेडी देयर इन ईथर वो है लेकिन भगवान किसको भेज रहा है और कितना कोई रिसेप्टिव है वो आपके ऊपर है एग्जेक्टली exactly. ये ये कहते भी है कि यूनिवर्स में ब्रह्मांड में हर प्रश्न का उत्तर है और यू जस्ट है यूनिवर्स जब आपने कनेक्ट हाँ, कर and लिया देन यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब मुझे तो बहुत मजा आया आ रहा है आपसे बात करके uh, जल्दी से एक दो क्वेश्चन और पूछना वैसे बहुत लंबा वीडियो हो गया और मैं बहुत खुश हूँ मतलब मुझे आई एम वुड बी वन ऑफ दीडियो जिसमें मैं सिर्फ पूरी अटेंशन के साथ सुन रहा 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 था था और और सीख सीख so मुझे कविता uh, so uh, uh, जी कोर्स माय प्लेजर मुझे ये बताइए कि uh, सबसे पहले तो अभी आप हाउ यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ आफ्टर ऑल दीज एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि uh, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है जो जिसको मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ लाइफ व्हाट इज लाइफ फॉर यू लाइफ का क्या है मतलब आपके लिए तरुण व्हाट आई एम लर्निंग दिस डे टू बिकम सिंपल हाँ एक फिल्म बहुत सालों से सुन रही हूँ पढ़ रही हूँ

बट मुझे समझ में नहीं आया तो अभी पिछले छह महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई जो मेरे लिए ना मतलब ऐसे नहीं था कि वो चीजें पहले नहीं हो रही थी हो रही थी लेकिन अब आपका कॉन्शियसनेस का लेवल जैसे जैसे आगे जाता है तो आपको लगता है कि नहीं अब इसमें से कुछ सीखना है आपने तो मैंने लोगों से बात मेरे फेलोडेवटीज है, है या स्वामी जी से या मैंने बुक्स रेफर की और खुद से भी अंदर चिंतन किया उसका तो उसमें से यही चीजें निकल के आई कि अगर वो आदमी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते अभी जैसे माय हस्बैंड इज परफेक्ट लेट गो कैन यू इमेजिन ओके उनसे कभी मिलना सिंपल पर्सन वो बोलेगा मेरे को बात नहीं करनी आती मैं नहीं कर सकता <laughs> लेकिन वो लेट गो में एक्सपर्ट okay. मतलब ही हैज दिस और ऐसे इजी नहीं था उनके लिए भी बिकॉज हम दोनों की लाइफ बहुत टफ रही है बट दिस इज वन थिंग आई यू नो आई एम डाइंग टू लर्न फ्रॉम हिम लेट गो करना तो यस लेट गो करना मतलब आप अभी दो घंटा लड़ाई करो उनके साथ उसके बाद आप बोलो लक्की हाँ जी <laughs> आप लंबे मैसेजेस करो गालियां निकालो उसके बाद उनका एक ही रिप्लाई आएगा ओके ही इज टोटली नॉर्मल और वो भूल जाता है बिकॉज ही हैज एक्चुअली यू नो मास्टर दिस थिंग उन्होंने प्रैक्टिस की है वो चीज नो मैटर वॉट मैं कुछ भी खराब कर दू कितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए उसकी फेवरेट चीजें मैंने खराब कर दी हैं मतलब ऑब्वियसली जानबूझ के नहीं की है लेकिन कोई बात हम लोग कोई बात हम लोग अपने हीरोज अपने आइडल्स अपने मेंटर्स को टीवी पे ढूंढते हैं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट टीवी इंस्टीट्यूटी ढूंढ किसी, पे दूंटे किसी दूंटे आश्रम, में, आश्रम में आश्रम में ढूंढते हैं पर हम भूल जाते हैं कि ये सभी लोग हमारे आसपास ही हैं अ पर्सन आस पास ही है उसके अंदर ऐसी ऐसी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपकी लाइफ को यूं चेंज कर सकता है और हम हमको हीरो कहीं और चाहिए चाहिए हमको हीरो टेलीविजन में ही चाहिए। yeah. <laughs> ये जो तो आपने सारी चीजें ये जो चीजें हैं ना ये मैं अब अपने जो मेरे पास मेरी रीच में लोग हैं मैं उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ जैसे हाउ टू ड्रॉप एक्सपेक्टेशन लर्निंग फ्रॉम माई भाभी शी सेज कि मैं छह महीने बहुत परेशान रही बट देन आई लर्न की चीजें ऐसे ही रहेंगी मैं नहीं बदल सकती इनको देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ एंड आई मस्ट कोत कि वो uh, मेरे से दस साल छोटी है अच्छा शी इज 10 इयर्स यंगर देन मी और मैं देख रही हूँ कि वो लड़की इतनी uh, मतलब शी इज सो जॉयफुल ऑल द टाइम मतलब ऐसे काम भी करती रहेगी और इतना काम है मैं तो शायद पागल ही हो जाऊं दो बच्चों के साथ इतने छोटे बच्चे हैं दो और घर का भी पूरा काम है मेरे मदर फादर हैं मेरा भाई भी बहुत डिपेंडेंट है उसके ऊपर uh, हर तरीके से तो कोई हेल्प नहीं है उसको बट स्टिल शी इज डूइंग जॉयफुली तो वो चीज रही हूँ तो उनके अंदर एक जीवटता है मुझे हिंदी बहुत पसंद है तो उसमें एक वर्ड होता है तो वो जीवटता उनके अंदर जब मैं देखती हूँ ना देन मेरे को इस अभी पिछले छह सात महीने से मैंने उनको <laughs> कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि पहले मैं उनको इतना एडमायर नहीं करती थी बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब इतने पेन में होते तो आप सिंपथी कार्ड और वो सब कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हो और मेरी नेचर ऐसी है नहीं तो मुझे गुस्सा आता है कि आप क्यों करते हो ऐसे बट वट आई हैव सीन कि वो कुछ भी हो ना अपने आप को उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं ठीक है अगर टीवी है तो वो टीवी पे ही ट्रैवल वाले वो देखेंगी कि मैंने सारी दुनिया घूम ली है आई लाइक

चीजें हुई है थाली में लगा के इसका मतलब so, तो आई like... बहुत सिंपल है और जो आपने बोला यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन एवरी सिंगल पर्सन जितने yes. भी लोग हैं यू जस्ट नीड टू हैव दैट आई आपके पास हाँ वो, वो आंख आप... होनी चाहिए कि बस कि बस आप देख लो कि सामने वाले में क्या है इससे तो ले लो ये वाँ, <laughs> वाँ, <laughs> wow, wow. बस वहां से डाउनलोड कर लो वेरी 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 सिंप्लिसिटी का सिंपलिसिटी का क्या है अभी जो मैंने अपने आप को इतने साल ऑब्जर्व किया है मेरे अंदर एक डर था मैं जैसे कुछ बात पूछनी मैं डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी मैं घुमा फिरा के कि तरुण आप मुझे वो बता दोगे कि आप कैसे कर रहे हो फॉर एग्जांपल मैंने पूछना कि आप चैनल कैसे चला रहे हो कैसे बनाया तो मैं घुमा फिरा के वो डर मैंने धीरे धीरे कि मैं क्यों डरती हूँ क्यों ऐसे यू टर्न लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जाने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो फॉर देट यू हैव टू बी यू नो ट्रांसपेरेंट फ्रॉम विदिन पे पूछ लो वो मैंने पता किस सेल्ड चाइल्डीन टाइप इमेज है उनकी घर में बहुत डरते हैं सब लोग उनसे तो वो आ, मेरे फादर आए गुस्से में दुकान से तो शिव नानू आपका हेडेक हो रहा है आप ठीक नहीं फील <laughs> कर रहे हैं और मैं दोनों को देख रही हूँ मत और उसका जो डायलॉग uh, डिलीवरी थी ना दैट वाज सो इनोसेंट एंड सो ट्रांसपेरेंट सो लाइट तो मैंने उससे सीखा कि uh, मतलब ऐसे विदाउट uh, एप्रिहेंशंस आप कैसे अप्रोच कर सकते हो दूसरे को वाओ wow. वाओ wow. तो छोटा uh, सा बच्चा है और आपने उससे देन यस यस ये चीज आप बच्चों से सीख सकते हो विदाउट एप्रिहेंशन हाउ कैन यू अप्रोच अदर्स कविता जी आपने Uh, बड़ा बहुत एग्जैक्टली exactly वो टॉपिक छेड़ा जो मेरा फेवरेट है और मैं लाइफ आजकल के साथ साथ <laughs> एक और सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम मैं ये कितना लंबा कर पर जितना भी करूँगा पैशन अरे के आप साथ करोगे 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 <laughs> आप <करूगे। laughs> और ये एक जो दूसरा थैंक यू थैंक यू सो मच जो दूसरा है दूसरा uh, जो मेरा थीम है वो है किड्स आजकल और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे बच्चों से बात करने की जिनकी एज एट नाइन से लेके okay. hmm. हम, हम हूं अपने घर में ही बोलता हूं कि जब हम कोई बड़ी hmm. कॉन्वर्सेशन या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं ना तो कोई बच्चा बैठा हो तो हम hmm. उसको बोलते हैं तुम बाहर चले जाओ यू गो आउट बाहर चले जाओ आप नहीं जानते हो आप एक एनर्जी को एक बिल्कुल कहते हैं ना जो मार्केट में नया ऐप आया है उसका थॉट प्रोसेस <laughs> उसका उसका फीडबैक आप आप मिस मिस यू यू दैट और बच्चे आपको no. ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं ना कि वोंट बिलीव यकीन नहीं कर सकते तो मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगा कर रहा हूं तो वीडियोस बना रहा हूं और सब आपके सबसे अच्छे टीचर आपके छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कोई बड़ा इंसान yes. ही है और, yes. और अगर आपने किसी को किसी आप चाहते हो कि कोई इंसान आगे जाके गंदगी ना फैलाए छोटी छोटी बातें जैसे गंदगी ना फैलाए पॉल्यूशन ना फैलाए पेड़ लगाए तो मुझे लगता है कि जो भी आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देनी है ये जो सीड है ये आप छोटे बच्चों के अंदर अगर आपने ये बो दिया तो वो एक yes, बहुत दुनिया में चेंज ला सकता है रेवोल्यूशन ला सकता है मेरे और एक्चुअली hey, आ... में प्रॉब्लम इज एजुकेशन सिस्टम वही हमें बदलना पड़ेगा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला Correct. अभी मैं आपको बताती हूँ से हिंदी लवर हूँ बिकॉज वो मेरी मातृभाषा है जैसे मैं वैसे पंजाब से हूँ hmm. हमारी मातृभाषा है राइट right. ओरिजिनली right. संस्कृत से है, तो इन अ वे हिंदी से ही रिलेटेड है तो मैं सोचती थी कि इंग्लिश को जो इतनी तवज्जो दी जाती है वो गलत है hmm. और उसको मैंने स्कूल में काम किया तो मेरी ये प्रिंसिपल्स के साथ भी बहुत बड़ी बहस होती थी hmm. को क्यों इतना कर रहे हो? कि हिंदी हमारी अपनी language वो तो बच्चे hmm. But I could see कि नहीं सीख तो ही जाएंगे। तो बोलना नहीं आ रहा और uh, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है तो सेड कि नहीं यू लव हिंदी और मेरी रिफ्ट हो गई उनसे hmm. नहीं बात बोल रहे हो ना ये, तो ये तो ये सर बताऊं कविता जी ये बहुत ही लंबा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस पे तो अगर हम लोग एक अलग एक नया एपिसोड भी कर सकते हैं जो आप कह रहे हो क्योंकि आप खुद देखो मेरा एग्जांपल लो मैंने आपसे इंटरव्यू किया है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है मिक्स अगर आप मुझे बोलोगे कि तरुण दस मिनट कंटिन्यूअसली हिंदी में मुझसे बात करके इंटरव्यू लो नहीं बोल सकते हम मैं नहीं दो. बोल पाऊंगा मैं सोच जाऊंगा इतना पोल्यूटेड हो गया हमारा लैंग्वेज इतनी पोल्यूटेड बोल सकते हैं क्या है कि हम हाँ, लोग इस पे okay. करेंगे बात इस पे अलग बात करेंगे आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और आप मुझे uh, okay. एक तो एक तो एक एक मुझे आप मैसेज दे दीजिए मिनट और रही है या सुन रही है जो एक प्यारा सा मैसेज जो आप देना चाहेंगे फ्रॉम योर एंड अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि किसी को भी आ, ब्लेम करने से पहले खुद को देखिए mm -hmm. तो किसी से ऊपर उठने के दो तरीके हैं कि आप जो सामने वाला बोल रहा है पहले उसको ध्यान से सुनो फिर अपने आप को चेक करो कि आपके अंदर वो कमी है तो अगर है तो उसको ठीक कर लो दैट इज फॉर यू अगर वो नहीं है देन यू मूव ऑन कि आप उसको शायद नहीं मालूम है कि आप वो चीजें नहीं कर रहे हो सो वन थिंग इज दिस द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप आ, किसी भी चीज का रीजन ढूंढने जाओगे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सोल्यूशन वहीं पे मिलेगा जहां पे आपको प्रॉब्लम मिली थी wow. तो आप वहीं पे देखिए तो आप अपने आप को थोड़ा सिंपल कर सकते हैं सिंपल जैसे मैंने ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई कि हाउ टू यू नो अप्रोच समबडी विदाउट एप्रीहेंशन अगर आप ऑनेस्ट हो ट्रूथफुल हो ट्रांसपेरेंट हो mm. तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो तो आप

लाइफ चेंजिंग बुक और आ, के बाद डॉक्टर की सारी बुक्स है, वो आप पढ़ सकते बिकॉज आप आप कोई एक ही आ, आपकी लाइफ नहीं है आप उसके पहले भी थे आप उसके बाद भी रहोगे तो जो okay. रिलेशनशिप से हम कहीं नहीं मिले हम पहले भी मिले होंगे कहीं तो इसलिए <laughs> इस लाइफ में दोबारा मिल रहे हैं <laughs> <laughs> जरूर मिले so, तो वो चीज है

कभी हो सके तो हम फिर बात करेंगे जस्ट टू वॉन्ट टू नो अबाउट योर व्यूज ऑन रिग्रेशन वो क्या चीज है आप कितना जानते हो या आप कितना उसमें भी साक्षी भाव है। उसमें भी भी है? है और कुछ नहीं है आ, बाकी तो सारी gimmicks है. थोड़ा सा कुछ नहीं है और थोड़ा सा हमारे पास सिर्फ छह मिनट रह गए हैं तो आप अगर क्विकली एक मिनट में सिर्फ एक ओवरव्यू दे दो कि व्हाट इज दिसन थे थेरेपी है उसमें क्या है कि आप अपने जो माइंड को काम करके आप अपने डीप सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाते हो क्योंकि आपका हर टाइम चीजें रजिस्टर कर रहा है आवर्स इवन बिफोर योर बर्थ इट वाज रजिस्टरिंग एवरीथिंग इन द मदर्स होम व्हेन यू वर देयर एज अ बेबी एज अ फिटस तो वो सब चीजें रजिस्टर हो रही थी वेन यू आर लिविंग दिस बॉडी इवन देन इट इज रजिस्टरिंग एवरी इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड राइट तो वो सब माइंड में जहां से जब आप भगवान से टूट के यहाँ पे आए थे एज अ सोल और वापस आपकी जर्नी अपवर्ड हो रही है वो पूरा का पूरा जो साइकिल है उसमें रजिस्टर्ड है तो उसमें होता क्या है कि कुछ आपकी टॉप सीट है जर्नी किसी लाइफ टाइम की किसी की स्मूथ है किसी की बहुत अपहीवल है तो आप जब उसमें जाते हो तो वो रिलेशनशिप्स आपके जो है रिपीट होते रहते हैं hmm. जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले मिले होंगे हम अच्छे फ्रेंड्स होंगे या कलीग्स होंगे आज हम दोबारा मिले हैं तभी वो एकदम से आपका बॉन्ड फील हो रहा है तो जब हम वापस जाते हैं तो उसमें और कुछ नहीं है सिर्फ साक्षी भाव है आप आ, मतलब आप मुझे इतना नहीं मालूम कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बट अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि दिस इज ऑल अबाउट बींग अगर आप साक्षी भाव से उस टेप को देख रहे हो क्योंकि आप उस जन्म को अल्टर नहीं कर सकते जो आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो बट आपका जो सेल्फ है वो अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ये हुआ था अभी हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों है कि फॉर अंडरस्टैंड समथिंग और वो मानते नहीं है कि अच्छा मैं तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मैं सोचती हूँ तो मेरी लव मैरिज है और ये तो मेरी बात मानता था, था अब ये क्यों नहीं मान रहा तो मैं उसी चीज के कारण परेशान हूँ तो वो क्या है कि जब मैं उस चीज को लिखती हूँ या मैं उसको रिग्रेशन में लेके जाती हूँ देन माई ईगो सेल्फ अंडरस्टैंड कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग तो वो ईगो

कोई भी चीज है जो आप जिसको आप ओवरकम करना चाह रहे हो उसमें दो ही चीजें आएंगी सरेंडर एंड okay. जैसे आपकी वो कर लेगी कि और अब ऑलमोस्ट हमने काफी देर बात कर ली है मेरे ख्याल से वीडियो को, <laughs> इस वीडियो को मुझे दो, दो में डालना पड़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है uh, <laughs> अभी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना <laughs>

i'll bother you to have this uh, small any conversation any time any time you are such a sweet person any time <laughs> thank you so much again uh, you can take it all if it is of any help of course of course kavita ji well on this note uh, thank you i hope uh, aap jo kar rahe hain karte rahe my best wishes are with you आप ऐसे ही लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते रहिए उनकी <laughs> चेंज करते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज देते रहिए और अपने बिजनेस में भी कामयाब होइए। मैं आपकी आपकी डिटेल्स mm, आप मुझे जो भी डिटेल्स डालनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे दे दीजिएगा आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ कोर्स विद योर परमिशन और कोशिश yes, करूंगा yes, कि जल्दी आपसे मिलो ठीक है मैम या श्योर श्योर एनी टाइम थैंक यू टेक केयर थैंक यू थैंक यू हैव अ गुड डे बाय सेम टू यू बाय